दिया दे रखा है द ओनली मैकेनिकल क्वांटिटी व्हिच हैज नेगेटिव डायमेंशन ऑफ मास इज, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। द ओनली मैकेनिकल क्वांटिटी व्हिच हैज नेगेटिव डायमेंशन ऑफ मास, तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, ठीक है आप डायमेंशन निकाल तो पता चल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, मास का एम वन, वेलोसिटी का एल वन टी माइनस वन, रेडियस का एल वन, तो ये क्या हो जाएगा मास का एम वन एल टू टी माइनस वन। ओनली क्वांटिटी विच इज नेगेटिव डायमेंशन ऑफ मास, क्या इसमें नेगेटिव डायमेंशन है मास का, मास का वन है प्लस वन है नेगेटिव नहीं है, तो ये नहीं होगा। टॉर्क, टॉर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही वर्क का होता है, वर्क डन का क्या होता है भाई m1 l2 t माइनस टू, समझ रहे हो, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मास का यहां पे भी क्या है पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा नहीं है। कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अगर आप इलेवेंथ में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हम पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स में, ठीक है थर्मल इफेक्ट ऑफ करेंट, थर्मल इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोल के, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके, ठीक है वहां पे पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 11 में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं अभी बता देता हूं, जो कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है ना के इक्वल्स टू, अच्छे से याद रखिएगा ठीक है, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा क्यू, बात समझिए आपको क्यू बाई टी इक्वल्स टू, ऐसा एक फॉर्मूला आएगा हीट बाई टाइम इक्वल्स टू के ए डेल्टा थीटा बाई एल, तो उससे के होता है थर्मल कंडक्टिविटी, के क्या आ जाएगा क्यू इंटू एल बाई टी इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा। अब यहां पे कौन सा क्या है देख लो, के है थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी जिसका आपको निकालना है, क्यू होता है हीट, एल होता है लेंथ, टी होता है टाइम, ए होता है एरिया, डेल्टा थीटा होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो जो हीट होता है उसका क्या डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t माइनस टू, जो एनर्जी होता है हीट एनर्जी एनी टाइप ऑफ एनर्जी वर्क डन का ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है, लेंथ l1 है कि ना, अब टाइम t1, एरिया अगेन l2, l2, डेल्टा थीटा टेम्परेचर केल्विन, ठीक है ना टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन होता है, तो मैंने यहां पे के लिया, ठीक है केल्विन के लिए के लिया, ये के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये के जो है मेरा केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये एम वन है ये एल टू कट जाएगा, ये टी वन ऊपर जाएगा टी माइनस थ्री, एम वन टी माइनस थ्री है कि ना टी माइनस थ्री, एल वन के माइनस वन, क्या यहां पे मास का नेगेटिव डायमेंशन है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी चेक कर लेते, तो ये होगा हमारा ऑप्शन ऑब्वियसली। मैं इतना सारा कर रहा हूं ना आपको, इतना सारा नहीं चाहिए आपको, समझ आएगा बोल के इतना कर रहा हूं अभी मैं, ये आपका तीन चार सेकंड देखा आंसर आ जाना चाहिए, समझ रहे ना, यहां पे देखो कैसे पता चले ना, जो ग्रेविटेशनल कॉन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से एफ इक्वल्स होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो जी का क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू, F क्या है फोर्स है, फोर्स का क्या M1 L1 T माइनस टू, आर क्या है लेंथ, लेंथ का L2, मास M1, मास है M1, ये मास है M1, M1 M1 कटेगा, M1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M माइनस वन। तो द ओनली क्वांटिटी हियर ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट विच इज नेगेटिव डायमेंशन ऑफ मास है कि ना, बाकी सब बहुत दिनों का पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ मास, मास का पॉजिटिव डायमेंशन है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एम ऊपर गया एम माइनस वन L1, L2, L3, T माइनस टू, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आपको बाद में यूज होगा बहुत सारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर